जेड वन अपॉन सी। तो एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए कोमा बी कोमा सी इसके डी आर। बेटा ये ए बी सी डी आर मतलब ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ये इसके डी आर डायरेक्शन रेशियो उसके लाते हैं। एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए बी सी इसके डी आर कहलाते हैं। ए बी सी इसके डी आर कहलाते हैं। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन होती है लाइन की। तो जो कल नहीं आए थे सिद्धिका एंड उदय, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर है। कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए बी सी उसके डी आर। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। अभी आर यूज करेंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो ये दो चीजें बताई थी बेटा कल मैंने, उदय सिद्धिका, ये दो चीजें हमने कल चालू किया था सी डी ज्योमेट्री। इसका वीडियो देखना है कल वाला, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब आपको पूछना है कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत आएगी तो फिर वापस से भी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको करना है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन करना है, क्योंकि पहली क्लास नहीं करोगे तो फिर आगे की क्लास में समझ नहीं आएगी, सिंपल सी बात। और अभी तो चैप्टर चालू हुआ है। चलिए, कल जो होमवर्क दिया था बेटा उसमें कोई डाउट बेटा? होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं किया, ठीक है। अरे होमवर्क में कोई डाउट है किसी को कल वाले में? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। लिखो जब तक सब आ जाएंगे। फाइंड द वेक्टर फॉर्म, लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज द कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज द कार्टेशियन फॉर्म of a line passing through the point। भैया तुम जो कल एब्सेंट था उनके लिए करवा रहा हूँ ये, ताकि आपको आइडिया लग जाए। passing through the point कैसे लिखते हैं? passing through the point वन टू माइनस वन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन टू माइनस वन एंड टू वन वन। हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि पास हो रहा है दो पॉइंट से, जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है वन टू माइनस वन एंड टू वन वन। अब क्या करते हैं बेटा, यदि आपको इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, समझना। पॉइंट ए मान लो पहले वाले पॉइंट, जिसका पोजिशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये पॉइंट बी मान लो। तो हमारा इक्वेशन होगा वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन नहीं गिवन है। मैंने कल क्या बोला था, पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन। तो वेक्टर इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए बी वेक्टर, बस पॉइंट टू भी नोट करो। हमें ए और बी को मिला के जो वेक्टर निकलेगा वो निकालना है आपको, ए बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर क्या होगा भाई? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर को आप बी वेक्टर बोल सकते हो, स्मॉल बी वेक्टर। ये हमारी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई।
दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इतना लिखिए पहले। फिर अब मैं बता रहा हूँ, देखो ए वेक्टर आपका मतलब कैपिटल ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, तो ए वेक्टर है हमारे पास, स्मॉल ए वेक्टर है हमारे पास आई के प्लस टू जे के माइनस के के, और बी वेक्टर है हमारे पास टू आई के प्लस जे के प्लस के के, टू आई के प्लस जे के प्लस के के। ये है वो, तो रख दीजिए b वेक्टर माइनस a वेक्टर कर दीजिए। देखो r वेक्टर तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन आ गई, a वेक्टर मतलब i k plus 2j k minus k k minus k plus lambda b वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो i k i k minus j k plus 2 k k plus 2 k k, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अब हमें इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ए मतलब dr, dr क्या है, देखो ये रहा, ये dr वन माइनस वन टू वन टू, तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस वन अपॉन वन, x माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू y माइनस टू अपॉन माइनस वन, z प्लस वन अपॉन टू, this is the cartesian equation, ये इसकी cartesian equation, x minus 1 upon 1, y minus 2 upon minus 1 और z plus 1 upon 2, this is the cartesian equation of a line passing through the point। ये इसकी cartesian equation, तो इस तरह से हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, ये हमने कल तक करा था, कल तक हमने यहाँ तक ये बात की थी, अब आगे अपन चालू कर दें। कल का मैं टेस्ट का टाइमिंग एक से दो, एक से दो कल टेस्ट का टाइमिंग एक से दो, एक बजे से दो बजे तक, जिनको ऑफलाइन देना है, जो ऑफलाइन आ सकता है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, टेस्ट पेपर आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे पहले बताना पड़ेगा कौन कौन ऑफलाइन आ रहा है ताकि टेस्ट पेपर प्रिंट करना, ठीक है, वापस से आप ऑफलाइन बेटा दोगे तो अच्छा लगेगा। ये चलिए, अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन की स्पेशल पॉइंट प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं, और ये प्रॉपर्टी आपको हर जगह काम में आएगी, कभी भी कोई भी लाइन की इक्वेशन गिवन है तो मैं उसका जनरल पॉइंट मान सकता हूँ, कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये लाइन है, समझना, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, एग्जांपल ये गिवन है एक्स माइनस वन अपॉन टू, वाई प्लस टू अपॉन माइनस थ्री और जेड माइनस फाइव अपॉन फोर, सपोज ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब मुझे ये वाला पॉइंट सपोज करना है, कोई सभी एक पी पॉइंट सपोज करना है, तो मैं इस पी पॉइंट को सपोज कर सकता हूं, ये पी पॉइंट हम सपोज कर सकते, इसका मतलब कभी भी लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको कोई सा भी पॉइंट सपोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू लैम्डा लिखूंगा, बोलो एक्स का वैल्यू आ गया टू लैम्डा प्लस वन, देखो टू लैम्डा प्लस वन, वाई का वैल्यू क्या आ गया माइनस थ्री लेमडा माइनस माइनस टू, और जेड का वैल्यू कितना आ गया फोर लेमडा फोर लेमडा प्लस फाइव,
तो ये आपका पॉइंट आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। इसका मतलब कभी भी लाइन का जनरल पॉइंट आपको निकालना है, कोई भी पॉइंट आपको सपोज करना है, तो आप इस तरह से कोई भी पॉइंट लाइन पर आपको कोई भी पॉइंट सपोज करना है तो आप इस तरह से पॉइंट को सपोज करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो जिसके लिए ये पॉइंट आएगा, बस जनरल पॉइंट आ गया आपका, तो इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल को, ताकि अब हम अगली प्रॉब्लम में यही यूज करेंगे, अगली प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा उसमें यही यूज करेंगे। एक बार मैं अटेंडेंस लिख लेता हूँ, 32 और 4 36, 5 जने में एक स्थिति होगी, 180 है, 25 है ना, 25 है, 3 हिमांशी तो मैं हूँ, हाँ वही तो बोलूँ, 3 1 2 3 बाकी अभी ढूंढ लेंगे, 3 इतना भी नहीं है, 3 तो फिर 2 जने के होंगे, चलो ढूंढेंगे। स्वस्ती मैंने बोला, स्वस्ती बोला, कशिश बोला, इसिता बोला, 3 और एक नीरज भी, 4 इंडियन और के लिए। नेक्स्ट, अब मैं इस पे प्रॉब्लम करवा रहा हूँ भाई, एकदम जल्दी लिखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, find the points on the line x plus 2 upon 3 equal to y plus 1 upon 2 equal to z minus 3 upon 2 at a distance of, सर आप म्यूट हो गए, find the points on the line x plus 2 upon 3 equal to y plus 1 upon 2 equal to z minus 3 upon 2 at a distance of 3 root 2 from the point 1, 2, 3 at a distance of 3 root 2 from the point 1, 2, 3। तो हमें उस लाइन पर ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि कितने डिस्टेंस पर है बेटा, 3√2 डिस्टेंस पर है, इससे पॉइंट से 1, 2, 3। अब देखना समझना, तब वो ये लाइन है और ये पॉइंट है P 1, 2, 3, इसकी इस लाइन से डिस्टेंस, बेटा उसने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन से ये डिस्टेंस ए पॉइंट पी ए, ये कितना गिवन है आपको, P√2। P पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस आपका 3√2 है। तो मैंने अभी क्या बोला, मैं लाइन पर कोई सा भी पॉइंट सपोज कर सकता हूं, तो कैसे करूंगा, इक्वल टू लैम्डा करके। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा x प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू आ गया थ्री लेमडा माइनस थ्री, टू लेमडा माइनस वन और टू लेमडा प्लस थ्री। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया, ये हमारा x का वैल्यू। इसको हम पॉइंट क्या सपोज कर लेंगे बोलिए? ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट सपोज कर लेंगे। तो लेट पॉइंट ए ऑन लाइन बी, पॉइंट ए ऑन लाइन बी थ्री लेमडा माइनस टू, टू लेमडा माइनस वन, टू लेमडा प्लस थ्री। बेटा यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये हमारा पॉइंट ए आ गया, दिस इज पॉइंट ए। सभी को क्लियर है? उत्तरेजा बोल बेटा, क्लियर है? यस सर। राहुल सबको क्लियर है? भाई हमें लाइन पर कोई सा भी पॉइंट हम सपोज कर लेंगे, तो लाइन पर हमने ये पॉइंट सपोज कर लिया। अब आपको पीए का डिस्टेंस थ्री रूट टू है, तो बेटा पीए हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे पीए? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पीए इक्वल टू थ्री रूट टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, थ्री लैम्डा माइनस का टू लैम्डा माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर और टू लैम्डा प्लस थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री रूट टू। ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि अंडर रूट रह जाए। ये आ गया बेटा थ्री लैम्डा माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू लैम्डा का होल स्क्वायर और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो नाइन इंटू टू एटीन, एटीन। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये आ गया बेटा नाइन लैम्डा स्क्वायर माइनस एटीन लैम्डा प्लस नाइन, फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व लैम्डा प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एटीन। तो ये आ गया सेवनटीन लैम्डा स्क्वायर, एटीन से एटीन कैंसिल हो गया और माइनस थर्टी लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा कॉमन आ गया तो सेवनटीन लैम्डा माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो। तो बेटा लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो आ गया और एक थर्टी बाई सेवनटीन आ गया। तो द पॉइंट ऑन द लाइन, तो द पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन इज व्हेन लैम्डा इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट आ गया आपका माइनस टू माइनस टू माइनस वन थ्री और व्हेन लैम्डा इक्वल टू थर्टी बाई सेवनटीन आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई नाइनटी बाई सेवनटीन, नाइनटी में से थर्टी फोर माइनस करना फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स बाई सेवनटी, बाई सेवनटी फोर्टी थ्री बाई सेवनटीन, वन वन सेवन, वन 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 बाई सेवनटीन, वन 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 बाई सेवनटीन। दीज आर द टू पॉइंट ऑन द लाइन जिससे डिस्टेंस कितनी होगी? थ्री रूट टू होगी। क्या ये सभी को समझ में आया? बोलिए बेटा। यस सर। चलिए लिख लीजिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये लाइन पर पॉइंट है। तो कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो बेटा इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये लिख लिया सभी ने? आगे चले? यस सर। एंगल बिटवीन टू लाइन,
एंगल बिटवीन टू लाइन, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल। अब हमें कभी भी कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? एंगल वैसे ही निकलता है जैसे आपका वेक्टर निकलता था। जैसे मैं लाइन वन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म आप ये लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। लाइन टू, दूसरी लाइन हमने मान ली, आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस न्यू बी टू वेक्टर, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म हमने मान ली एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन डी टू और जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, ये हमारी लाइन टू आ गई है। तो लाइन वन और लाइन टू आ गई हमारी। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। देखो एंगल कैसे निकालेंगे समझिए, यदि कभी भी मुझे दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, जैसे ये लाइन है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो बेटा ये पहली वाली लाइन इसका पैरेलल वेक्टर यही मान लो, चलो इसके आगे मान लो या ये वेक्टर मान लो, तो ये कौन सा वेक्टर है भाई? यदि मैं इसको वेक्टर को मानूंगा तो बी वन वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया बोलिए? एक बार ये रिपीट करना जब बता रहे थे इस तरह। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक मुझे ये ब्लर हो गया, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर को मैं बी वन वेक्टर से डिनोट करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ ये बी वन वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये? बी वन वेक्टर, क्योंकि लाइन, क्योंकि लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो बी वन वेक्टर है, तो ये बी वन वेक्टर हो गया आपका। अब दूसरी लाइन इसका ये पैरेलल वेक्टर ये है, ये कौन सा वेक्टर हो गया इसका? बी टू वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो बेटा दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे? cos थीटा cos थीटा cos थीटा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड यहां पर कैसे निकालेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे वेक्टर में निकालते थे वैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय, सिर्फ इससे निकलेगा बेटा, इन दोनों से इससे कोई मतलब नहीं है, इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वेक्टर। चाहो तो पूरा मॉडुलस ले लेना ताकि पॉजिटिव एंगल आ जाए। तो cos थीटा इक्वल टू बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका है, ये हमारा दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका। अब कंडीशन सेम है जैसे वेक्टर में होता था, यदि दो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब दो लाइन पैरेलल है, केस फर्स्ट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, बी वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू वेक्टर, यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा, जैसे पहला वेक्टर में होता था, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा भाई इनका डॉट प्रोडक्ट? जीरो। लिख लीजिए बेटा, बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा यहाँ पर? चलिए अब हम इससे प्रॉब्लम करेंगे। इससे प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन से किसी भी एक कंसेप्ट पर आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, चाहे पैरेलल पे आ जाएगा चाहे परपेंडिकुलर पर आएगा जी।
लिख लीजिए बेटा उसको। लीजिए फर्स्ट कॉलम। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point passing through the point 1, 2, 3 and is parallel to the line minus x minus 2 upon 1 equal to y plus 3 upon 7 इक्वल टू टू जेड माइनस सिक्स अपॉन थ्री। इसके पैरेलल में हमें वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 1, 2, 3 से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल। अब बेटा 1, 2, 3 से पास हो रहा है लाइन, तो बेटा कुछ भी नहीं बोला जाए तो अच्छा उसने तो बोला दोनों निकालने, दो निकाल लेंगे। पहले तो आप कुछ भी निकाल लें, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखे equation of line through point point 1, 2, 3 is x minus 1 upon a y minus 2 upon b equal to z minus 3 upon c। बोलो सही है कि नहीं? Yes, ABC मैंने इसके dr मान लिए, ABC मैंने इसके dr मान लिए। कार्टेशियन में लास्ट में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चला दिए पहले, और सॉरी वेक्टर में हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले कार्टेशियन में निकाल लेंगे। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, तो बेटा मुझे इसके यहां से डी आर सेम, क्योंकि पैरेलल है तो डी आर सेम होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन वन वाई प्लस थ्री अपॉन सेवन टू जेड माइनस सिक्स अपॉन। तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस सिक्स, वाई प्लस थ्री अपॉन सेवन, यहां से टू कॉमन ले लीजिए जेड माइनस थ्री अपॉन। तो ये माइनस नीचे शिफ्ट कर दीजिए भाई, ये आ गया x प्लस टू अपॉन माइनस वन, वाई प्लस थ्री अपॉन सेवन, और एक्चुअल में आपको ऊपर टू आ रहा है तो बेटा टू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर क्या आ रहा है देखो ध्यान से, टू। तो कल क्या बताया था, यदि टू ऊपर आ रहा है तो नीचे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करो। टू 14 और इधर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आएगी। ये क्या समझ में आया कि डी आर कैसे निकाले बेटा? यस सर। भाई ऊपर माइनस कॉमन लिया आपने, इधर देखना भाई दोबारा से, माइनस कॉमन लिया एक्स प्लस टू, यहाँ तो वन है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा सब बोलिए बेटा, टू कॉमन ले लिया। अब ये टू आ रहा है तो मैं नीचे टू से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, इसको टू और ये माइनस नीचे उतारा तो माइनस टू,
टू 14, इधर तो 14 ही आएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या आएगा, इसके डीआर क्या होगा? माइनस 2 14 3. तो डीआर ऑफ लाइन इज माइनस 2 14 3, ये इसके डीआर हो गए. ब्रैकेट में कभी मत रखना. तो डीआर ऑफ द लाइन इज माइनस 2 14 3, ये इस लाइन के डीआर हो गए. This is the DR of the line. Minus 2, 14, 3. क्योंकि पैरेलल है तो ये इसके DR यही होंगे. तो therefore equation of required line, equation of required line, x minus 1 upon minus 2, y minus 2 upon 14, जेड माइनस बी अपॉन सी. ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? कार्टेशियन. कार्टेशियन. ये तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन. इसकी वेक्टर इक्वेशन देखते हैं. वेक्टर इक्वेशन बोलिए भाई सब. आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या हो गया? आई के प्लस पी जे के प्लस सी के प्लस लैम्डा. डी आर क्या? माइनस टू आई के प्लस 14 जे के प्लस 3 के. ये हमारे की कार्डिनल वेक्टर इक्वेशन है. अब इसमें किसी को क्या नहीं समझना है बेटा एक बार बोल देना ताकि मैं दोबारा समझा देता हूँ. आपको क्या नहीं समझना है वो देख ले. अरे सभ्य था यार, कल आके मिल जाए यार मुझसे, बहुत दिन हो गए हैं. तो सभ्य था सभ्यता 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 सुनती नहीं है ना तू? बोलना कल आके मिल जाना मुझसे यार, बहुत दिन हो गए. तुम्हें तो क्या कर रही क्या नहीं कर रही मुझे पता तो चले. सर आती हूँ कल, आती हूँ. पक्का कोचिंग पे रहोगे ना सर? मैं कोचिंग पे रहूंगा 11 से लेकर 2 बजे तक. ठीक है सर, आती हूँ. चलिए बाकी भी बहुत सारे हैं जिनसे मिले नहीं, बहुत दिन हो गए. ऐसी तुम ऐसी हो दिव्यांशी, तो घर पे ही हो है बेटा? अच्छा तुम दोनों घर पे ही हो. एसना और आना भी घर पे ही है? यस सर. तुम एक दिन रिंकल दिशा और वैदेही तुम भी एक दिन कभी भी आ जाना, मिल जाना बेटा, अपन डिस्कस कर लेंगे. यस सर. बाकी मानसी तो आ जाती है मिलने, और कौन है कनिष्का भी बहुत दिन हो गए मिले हुए, महत भी नहीं आई, बहुत सारे हैं ऐसे. इतरेजा ने भी एक बार भी नहीं मिला, राहुल भी एक बार भी नहीं मिला मुझसे. तो ये जो जो नहीं मिले एक बार मिल लो यार, उसमें क्या बात है. आप तो कभी भी अपन एक मिल लेते हैं किसी भी दिन. एक है ना, कौन गायब हो गया? ये यस चला गया होगा मुझे 100% पता. ठीक है, वो बोल भी रहा था मैं जल्दी में आ जाऊंगा. आ जाना, कौन मना कर रहा है? कौन बोल रहा है ये? इसमें तू तो अभी तो वहीं है ना, राजकोट कहाँ है? हाँ यही हूँ सर, अभी जूनागढ़. अभी कोटा आने का विचार है कि नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, मतलब इस साल आने का विचार ही नहीं है. हाँ. तो तेरा भाई भाई क्या पढ़ रहा है? वो भी यही है. हाँ हाँ. अच्छा यही है वो भी. अभी तो तुम माना रोजिना मेरी गैरेज में जा रहे हो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के मैं देख रहा हूँ. रोजिना रोजिना कहा अभी कल और परसों थे दो दिन. मम्मी पे आज है वेडिंग एनिवर्सरी. आज थी आज है कल थी? आज है. चलो मतलब आज फिर एंजॉयमेंट था ना. चलिए ठीक है, बढ़िया. चलिए नेक्स्ट एक और करता हूँ बेटा. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट. थ्रू पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, minus 1, 1, 2, minus 1 and parallel to the line, and parallel to the line 5x minus 25 equal to 14 minus 7y equal to 35 days. इसके मुझे इसके पैरेलल है भाई वेक्टर इक्वेशन निकालनी. अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी तो अपन डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन ही लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे देखो सर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, minus 1 ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो गया ये आई के प्लस टी जे के माइनस के प्लस लैम्डा बी वेक्टर. आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. बी वेक्टर मुझे पता नहीं है मतलब डी आर पता नहीं है. ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी. कोई दिक्कत नाउ दिस लाइन इस पैरेलल टू लाइन. लेकिन लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है. अब कैसे सही करेंगे इसको अभी देखते हैं. यहां से 5 कॉमन आ रहा है, यहां से -7 कॉमन आएगा और यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं 35 से. अब बेटा 5, 7 और 35 का एलसीएम ले लिए डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 5, 7, 35 इक्वल टू 35 से इसको डिवाइड किया तो 7 आ गया, 35 से इसको डिवाइड किया तो -5 आ गया और इसको करा तो 1 आ गया. तो बेटा dr क्या होगा इस लाइन के 7 - 5 1 हो गया इस लाइन के लिए. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये कैसे कन्वर्ट किया सबको समझ में आ गया? Yes, तो dr ऑफ द लाइन इज dr of line is 7 - 5 1. तो b वेक्टर आ गया हमारा 7ik - 5jk + k. b वेक्टर हमारा क्या आ गया 7ik - 5jk + k. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज तो वेक्टर इक्वेशन of required line r vector equal to a vector plus lambda b vector. आया समझ में सभी को? क्लियर है? Yes sir. वेक्टर इक्वेशन होगी ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन लिख लीजिए इसको. तो ये तो मैंने पैरेलल वाले केस करवाए कि जब भी दो लाइन पैरेलल है तो आपको पहले उसके जो जिस लाइन के पैरेलल है उसके डीआर निकालने पड़ेंगे और उसके डीआर निकालने के बाद आप इक्वेशन निकालेंगे. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी. लिख लीजिए. अब हम इसके बाद परपेंडिकुलर की बात करेंगे. परसों करते हैं? अरे पागल है क्या? अभी तो ऐसे थोड़ी थोड़ी मजाक कर रहा थी यार. अरे यार ऐसे हम इमोशनली ब्लैकमेल मत क्या करो. चल अभी एक तो करते हैं. ऐसे कहाँ है यार समझा कर. अभी अपन को कोर्स अपना 15 दिसंबर तक हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद फिर अपन रिव्यून करेंगे बेटा और टेस्ट भी फिर लेंगे. हमें हमारा एम होना चाहिए कि अच्छे मार्क्स लाने. ये
उसके लिए अपन को कुछ भी करना पड़ेगा। अब जैसे बेटा ये देखो सीबीएसई 2020 में वन मार्क का क्वेश्चन है, ये एल वन गिवन है एक्स इक्वल टू फाइव वाई अपॉन थ्री माइनस अल्फा इक्वल टू जेड अपॉन माइनस थ्री, और एल टू गिवन है आपको एक्स इक्वल टू टू वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड अपॉन टू माइनस अल्फा। इफ टू लाइन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर, वो एक्स इक्वल टू क्या लिखा है फर्स्ट वाले में, थ्री है ना, एक्स इक्वल फाइव जो भी लिखा है बिल्कुल सही है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड एल्सियम, ये आपका है वन मार्क की प्रॉब्लम थी। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्सियम, ये वन मार्क में आई थी लास्ट ईयर। तो पहले तो भाई ये मैंने कल क्या बोला था, ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी तो। L1 क्या बोला था भाई, जब इक्वल टू कोमा आ जाए तो क्या बोला था, x माइनस फाइव अपॉन जीरो याद करो, y अपॉन थ्री माइनस अल्फा z अपॉन माइनस टू। अब बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, एज x इक्वल टू फाइव तो x माइनस फाइव अपॉन जीरो y अपॉन थ्री माइनस अल्फा जेड अपॉन माइनस टू जेड अपॉन माइनस टू। तो ये हमारा b1 वेक्टर आ गया, b1 वेक्टर ये तो जीरो है तो थ्री माइनस अल्फा आई जे के माइनस टू के। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हमारा b1 वेक्टर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बैठा हो, ये हमारा b1 वेक्टर आ गया भाई, लाइन का बी आर आ गया लाइन के। एल वन एल टू एल टू x माइनस टू अपॉन जीरो वाई अपॉन माइनस वन जेड अपॉन टू माइनस अल्फा, तो यहाँ से b2 वेक्टर आ गया हमारा माइनस जे के प्लस टू माइनस अल्फा के। इसमें कोई दिक्कत b2 वेक्टर में? नो सर। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। जीरो जीरो लाइन का परपेंडिकुलर, lines are perpendicular, therefore b1 vector dot b2 vector will be equal to zero. b1 vector है आपके पास c minus alpha i j k minus 2 k k dot minus j k plus 2 minus alpha k k equal to zero. करो भाई, c minus alpha minus 1 से multiply हुआ और माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ टू माइनस अल्फा, सोल्व कर लीजिए माइनस थ्री प्लस अल्फा माइनस फोर प्लस टू अल्फा, तो थ्री अल्फा इक्वल टू सेवन आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? सेवन बाई थ्री। सेवन बाई थ्री, तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू सेवन बाई थ्री मिली। क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम हो ये, वन मार्क में आई थी, ये वन मार्क में आई। अब ये तो मैंने अभी लिख के बताया, नहीं तो मैं ये तो ऑप्शन में थे तो ये तो मैं डायरेक्ट कर देता। अब तो खैर आपको ऑप्शन हट ही गए, आपके एम सी क्यू आएंगे नहीं, एम सी क्यू सिर्फ केस स्टडी में आएंगे, वो देखा ही नहीं कि ना मैंने जो भेजा था। हाँ तो ये तो कुछ ही नहीं, ये जीरो है इसको छोड़ दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू जीरो। भाई इन दोनों का मल्टीपल प्लस इन दोनों का मल्टीपल इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्ट आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, वही तो क्या अपन। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? बोलो यस सर। चलिए एको करते हैं आज का लास्ट, ये बोल रहा है इसलिए मैं जल्दी छोड़ दूंगा, नहीं मैं छोड़ता नहीं। सही है ना? देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, find the angle between the lines, find the angle between the lines
x minus 2 upon 3 equal to y plus 1 upon minus 2, comma, z equal to 2, and x minus 1 upon 1 equal to 2y plus 3 upon 3 equal to z plus 5 upon 2. इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है. Now line 1, L1, x minus 2 upon 3, y plus 1 upon minus 2, इसको इक्वल टू करेंगे तो z minus 2 upon 0, तो ये हमारा b1 वेक्टर आ गया, 3i k minus 2j k. L2, x minus 1 upon 1, हाँ बेटा बोल. सर वो y में चेंजेस नहीं करे अपन ने. किसमें y में? y plus 1 है ना. तो क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ रहा है y plus 1? ठीक है सर मैं कुछ. अरे ठीक है सर. बेटा x y z का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, बाकी मुझे और किसी से कुछ मतलब नहीं है. यहाँ पर आपका 2y plus 3 आ रहा था, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 से डिवाइड कर दिया. अब इसको सही करना है तो ऊपर 2 आ रहा है तो सबको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से हो गया, ये 3 से हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारा बी टू वैक्टर क्या आ गया, 2y के प्लस टी जे के प्लस 4 के. क्लियर है बी टू वैक्टर? यस सर. नाउ एंगल बिटवीन द लाइन, बेटा ये इस तरह से आप पहले बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर निकालेंगे. नाउ एंगल बिटवीन द लाइन इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन द लाइन इज गिवन बाय cos theta equal to b1 vector dot b2 vector upon magnitude of b1 vector magnitude of b2 vector. cos theta equal to b1 vector आ गया 3ik minus 3jk dot 2ik plus 3jk plus 4kk under root of theta square 9 plus 4 4 plus 9 plus 16. तो ये आ गया हमारा, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए तो cos theta हो गया 6 minus 6 minus 6 वेरी गुड 0 आ गया भाई. तो cos theta 0 कब होता है? pi by 2. pi by 2 इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर. तो थीटा हमारा दोनों की लाइन के बीच का एंगल पाई बाय 2 आ गया भाई. एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज पाई बाय 2. इस तरह से हम दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे. चलिए होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज 11.2. क्वेश्चन नंबर 6, टेंथ और 11, सिक्स टेंथ और 11 ये करना. और कल का टेस्ट का टाइमिंग 1 से 2, कल का टेस्ट का टाइमिंग 1 से 2. और कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है?